दोस्तों ओप्पो रेनो 5 सीरीज कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया था और ओप्पो रेनो सीरीज काफ़ी सक्सेसफुल स्मार्टफोन रहती है मार्केट में। और अब इसका सक्सेसर आने वाला है ओप्पो रेनो 6 सीरीज। और ओप्पो रेनो 5 सीरीज की ही तरह इस सीरीज में भी आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, ओप्पो रेनो 6 होगा और एक इसका प्रो वेरिएंट होगा। और इसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ चुकी है कि कब तक ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा और क्या इसका प्राइस होगा, तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो स्वागत है हमारे चैनल पर, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। जो ओप्पो रेनो 6 स्मार्टफोन होगा उसमें आपको डायमंडसिटी 1200 का पावरफुल चिपसेट लगा होगा। और इससे पहले ओप्पो रेनो 5 से आया था उसमें आपको डायमंडसिटी 1000 का चिपसेट दिया गया था, जो कि इस सीरीज में आप इसको अपग्रेड बोल सकते हैं। वहीं इसका जो प्रो वेरिएंट होगा तो उसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 817 का पावरफुल चिपसेट दिया जाएगा। और ये दोनों स्मार्टफोन 5G के साथ में आएगा, जो कि मिड रेंज सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और दोनों स्मार्टफोन में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ में अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो 6.5 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसके साथ में आपको 19 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं इसका जो प्रो वेरिएंट होगा उसमें आपको दोनों साइड से कर्व डिस्प्ले दिया गया है और जिसके साथ में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ में 64 मेगापिक्सल का रियर में क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगा, जिसके साथ में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाएगा। वहीं जो प्रो वेरिएंट होगा उसके कैमरा के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, और जैसे ही इसके बारे में कुछ अपडेट आता है तो इस पर आपको कम्प्लीटली वीडियो मिल जाएगा। वहीं साथ में आपको 4500 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगी और जिसको कि चार्ज करने के लिए 65W का साथ में चार्जर मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इसके लॉन्च डेट के बारे में। तो ये स्मार्टफोन अगले महीने में लॉन्च हो सकता है। वहीं प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो 25,000 से 30,000 के बीच में इस स्मार्टफोन का प्राइस देखने को मिल सकता है। दोस्तों इस स्मार्टफोन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।